गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम परम पूज्य सर्वदेव स्वामी केशवानंद जी के जन्मदिन बहुत शुभ मना रहे हैं। मैं इससे पहले भी अमृता के शिविर में एक बात कही और उसको फिर दोहरा रहा। गुरु जी का वचन दिया हुआ था गुरु पूर्णिमा में कि जोशी 11 साल के बाद मैं तो आश्रम बनाएगा और उस आश्रम में झोपड़ी लगना और जो भी झोपड़ी लगा देना, मैं और माता जी आकर उसमें निवास करेंगे। मैं उस वचन का इंतजार करते करते 11 साल हो गए। ये गुरु पूर्णिमा 1997 की बात है, आज 2009 है। मैं इस बार आश्रम में जितने दिन रहा शायद ही रहा होगा कभी, आप सब साधकों के लिए आज इस हरियाली के बारे में जहां आपको मिट्टी डाली गई और कल का जो आपने उपद्रव देखा जो शाम में सिर्फ केवल 15 मिनट के लाया और ये सारा मंच उड़ा दिया गया। गुरु जी का कथन भी मुझे आज भी स्मरण है। जब गुरु पूर्णिमा में प्रथम बार गुरु जी आए थे और मैं गुरु पूर्णिमा में ऐसा ही स्टेज सजाया हुआ था और गुरु पूर्णिमा का दिन था, गुरु जी ने कहा कि आज यहाँ सिद्धाश्रम के योगी भी अदृश्य अदृश्य रूप से आए हुए हैं, मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं प्रधानता से यहाँ के साधकों को और यहाँ के इस विधान को जिस सिंहासन पर मुझे जोशी ने बिठाया है ये मैं गृहस्थ गुरु हूँ और मेरे लिए ये आवश्यक है। मैं कोई सन्यासी गुरु नहीं हूँ जो झोपड़ी में बैठकर कर सकूं। मैं ऐश्वर्यवान हूँ तो मेरे शिष्य भी ऐश्वर्यवान है। मैं अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करके मेरे आंगन में नचा सकता हूँ तो मैं जोशी के आंगन में भी लक्ष्मी को नचाऊंगा। मेरे कोई गुरु वचन आज भी याद है और उनके वचनों को देख कर मैंने कहा था कि मैं समझा था कि हरियाली भरी जिस हरियाली में जिस धन धान्य में लक्ष्मी का वास होता है उसे यहाँ स्थापन कर सकूं और गुरु जी को अन्न प्रदान कर सकूं जो उन्हें वन जंगल फूल फल नदी झरने ये बहुत पसंद है। और मैं यहाँ तक हो सका इस प्रयत्न में रहा कि गुरु जी को जो उनकी प्रसन्नता का कारण है उसको मैं आज तक कर सकूं और उस प्रयत्न में मैं आपके सामने जो बैठा हूं उसी रीति से बैठा हुआ हूं। कल मैं 3 बजे के समय में सारे मेरी जो साधनाएं हो पूर्ण होने के बाद कि गुरु भोजन होने के बाद ही भोजन करूंगा ये समझते हुए अकेला उस रूम में विश्राम कर रहा था और केवल गुरु को आह्वान कर रहा था कि गुरु जी वो आपके वचन को सिद्ध कर दो कि आप सिद्धाश्रम से यहाँ रहने के लिए आएंगे। जो वचन आपने मुझे दिया है मेरा इसमें स्वार्थ नहीं है, आप ही ने कहा था, ये बात अलग है कि आप सिद्धाश्रम में भी रहें और ज्ञान भी रहें। मैंने कहा किसी शिष्य को छोड़कर आप यहाँ आए, लेकिन आप आने का वचन मुझे दिए हैं और आप यहाँ आए। आज जिस भक्ति भाव से मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे विधान से, मैं जिस प्रकार भी अकेला रूम में बैठा हुआ था, साधारणतः कभी आप अकेले मुझे देखते नहीं, कोई ना कोई लोग मुझे मेरे साथ होते ही हैं, फिर भी मैं अकेला बैठकर जिस चिंतन के साथ गुरु को स्मरण कर रहा था, गुरु ने कहा जोशी मैं मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा कि सिद्धाश्रम के योगियों से लेकर सारे योगी ये डटकर खड़े हैं कि वो गृहस्थ हैदराबाद में बैठा हुआ गुरु जी आप वहां जाएंगे कैसे हमें छोड़कर, आप तो सिद्धाश्रम में रहने के लिए आए हैं और आप आश्रम हैदराबाद के इंद्र चेतना केंद्र जाएंगे कैसे। गुरु जी ने कहा कि मैंने उसे वचन दिया है मैं जा रहा हूं और आपने कल देखा उस 15 मिनट का उपद्रव जो सिद्धाश्रम योगियों ने जो गुरु जी ने भी कही थी कि जोशी तेरे ऊपर सिद्धाश्रम योगी भी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि तूने गुरु का दिल जीत लिया और यही कारण है कल हमने वो 15 मिनट उपद्रव देखा। लेकिन मैं कभी उपद्रव से डरता नहीं और इससे डरते हुए नहीं आया, ये तो मामूली सी बात थी, ऐसे इससे भी ज्यादा उपद्रव इस आश्रम को बांधते समय मैंने देखे हैं और मैं उसी तेज से उसी उत्साह के साथ फिर मेरे शिष्यों को लेकर यहाँ खड़ा हूँ, आपके सामने मंडप खड़ा है और मैं ऐसे उपद्रव से डरता ही
और मेरे गुरु जी के वचन को लेकर आगे चलने वाला हूँ, चलता रहूंगा। साधना के उन नियमों को लेकर चलता रहूंगा। केवल मैं गुरु का प्रेम चाहता हूँ, गुरु का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं ऐसे उपद्रवों को कितने भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। और उन सिद्धाश्रम के योगी ने देखा जो मेरे साथ थे, मैंने वो कहा कि ये जो उधम मचा है केवल 15 मिनट में बंद हो जाएगा। और मैंने देखा केवल 15 मिनट में ही सब कुछ बंद हो गया जहाँ का वहाँ। और जो लोग बाहर से आ रहे थे कहा कि गुरु जी केवल यही वह हवा थी और केवल यही वर्षा थी, आजू बाजू में कहीं नहीं थे। तो हम गुरु जी को बुलाने के लिए एक एक चीज को ओरोगे। अभी जितना प्रेम करते हैं, अगर आपके पास से गुरु जी चले जाए, आपके घर को गुरु जी ना आए तो आप कितना नाराज हो जाते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। उसी तरह अगर सिद्धाश्रम से गुरु जी यहाँ कहते हैं तो वो कितने नाराज होंगे। वो अपनी सारी शक्तियाँ दांव पर लगा देंगे। उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ दांव पर लगाई, लेकिन हम आज खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे, ऐसे ही खड़े रहते हुए आगे चलेंगे। यही नहीं, और इसी के उपद्रवों को देखने के लिए गुरु जी आश्रम जरूर आएंगे, उनका वचन है। और इस आश्रम में रहेंगे, इस आश्रम को उतना ही उज्ज्वल बनाऊंगा जितना उज्ज्वल बनाना चाहता हूँ। मुझे उस दिन भी 3-4 दिन की बात है, एक पुराने साधक हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, गुरु जी के साथ कम से कम 22 साल से जुड़े हुए हैं। तो उनको लगा कि असुरी कल्प नाम का एक कल्प है, एक तंत्र है। असुरी कल्प का तंत्र जिसे रावण आदि देवताओं ने, ऋषियों ने भी, शुक्राचार्य जी ने भी उस असुर कल्प तंत्र को लिखा है। तो बार बार मुझे कम से कम इस 2 महीनों से बहुत फोन करे और मैं नहीं मिल रहा हूँ, मैं कहीं कहीं इधर उधर जा रहा हूँ। तो आखिर बार एक बार उन्होंने फोन पे मिलेंगे। उन्होंने असुरी कल्प के बारे में पूछा। मैंने असुरी कल्प के बारे में उन्हें बताया कि कल्प क्या होता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, किस तरह की साधनाएं होती है। ये बात उनको बताने के बाद मैं कहा आप कितने साल से, बोले मैं जोधपुर से 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वहीं ले लेते, वहीं ठीक था। नहीं नहीं, बोले मैंने जोधपुर से ही असुरी कल्प का यंत्र और असुरी कल्प मंत्र मांगना चाहता था, लेकिन ये हुआ ये कि असुरी अपने जोधपुर के साधकों ने, जोधपुर के महाजनों ने वहां से एक बात कही है कि हमारा ब्रांच हैदराबाद में है, आप वहां से यंत्र ले सकते हैं। अब इससे बड़ी नहीं और कोई बड़ी बात नहीं। जिस मोर्च में ये बात उन्होंने लगाया कि हैदराबाद में उनका ब्रांच है जोधपुर का, जो बात वो नहीं मानते थे, वो बात मानकर उस आदमी से कहते हैं कि आप यंत्र वहां से ले सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ मेरे कहीं। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं उनके अघोष से उन्होंने लगाया, मेरी कभी कहा मैं उनका ब्रांच हूँ, उन्होंने कहा कि वो एक ब्रांच है उनका और यहाँ से यंत्र ले लो, वो साधक कराएंगे। स्वामी विवेकानंद जी जोधपुर में नहीं बल्कि निखिल चेतना केंद्र में ही है और यहाँ है, और वो लोग मानते हैं कि यहाँ आए हैं तो वो साधकों को यहाँ भेजते हैं कि यंत्र यहाँ से ले लो, वो हमारा भाग है, ब्रांच है। तो मैं तो आज तक नहीं कहा कि वो उनका ब्रांच है, उन्होंने कहा है। और मैं समझता हूँ ये मेरा आज का साधना का एक बहुत बड़ी सिद्धि है कि उन्होंने नहीं मानने वालों को भी मनवाने लगाया, और ये मेरी पर गुरु की कृपा है ऐसा मानता हूँ। सभी लोग कुछ भी कहे, जिस 11 साल से जो कार्य करते हुए चल रहा हूँ और चलते हुए आ रहा हूँ और उस कार्य को लेकर चल रहा हूँ, उन्होंने ही भर्त्सना की, उन्होंने ही मेरी निंदा की, वो लोगों ने मुझे बात कहा, लेकिन मैं मेरे कार्य पर चलता रहा। और आज उन्हीं के मुख से ये बात सुनने पर मुझे लगा कि मैं ही सही रास्ते पर हूँ और प्रभु ने सद्गुरुदेव जी की कृपा बनी हुई है और रहेगी। हमें अपनी इच्छा और अपना संकल्प दृढ़ हो और अपने गुरु का कार्य करने की इच्छा प्रबल हो तो हमारे पर गुरु कृपा बनी रहती है। इससे बढ़कर आपको मैं इसका उदाहरण और नहीं दे सकता। आगे के कार्यक्रम में कल रात में गुरु पूजन हुआ और साधकों का कल 23 तारीख को इलेक्शन रहने के कारण और कुछ लोगों के परीक्षाएं रहने के कारण सभी लोगों का कहना है कि गुरु जी सभी लोग सभी साधनाएं आज ही मत दो, कल ही मत दो, आज शाम से साधना आरम्भ करो। हम कल 21 तारीख को आ रहे हैं, हमारे को इलेक्शन की वजह से छुट्टियां नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे साधकों से फोन आए हैं और आ भी रहे हैं और वो लोग धीमे धीमे सब लोग शाम तक पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले आप भी तो कल से इंतजार कर रहे हैं। कल का जो साधना कार्यक्रम आपने देखा उसको दृष्टि में रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि हम अपनी साधना रखो। मुझे लोगों की भीड़, मैं पहले भी कहता था आज भी कहता हूँ, मुझे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे केवल साधक चाहिए, वो साधक जो निखिल चेतना केंद्र से जुड़े हुए हो और मैं उनको सही मार्ग पर ले जा सकूं और गुरु जी की साधनाओं को लेकर मैं आगे चल सकूं। यही इच्छा से मैं आगे चल रहा हूं और आगे चलूंगा। मैं
भीड़ को उतना नहीं देता जितना एक साधक दिन मेरे लिए श्रेष्ठ दिन है। श्रेष्ठ दिन ही नहीं, केवल मैंने एक ऐसा पेड़ लगाया जिसको जरूर कल के दिन उसके ऊपर पक्षी आकर बैठेंगे, उस पर फल होंगे, फूल होंगे और उसका उपयोग होगा। एक साधक भी एक महान वृक्ष बनता है तो वो समाज के लिए उपयोगी होगा और गुरु का कार्यकर्ता हो आगे बढ़ने वाला कहलाया जाएगा। मैं उस कार्य को लेकर ही आगे बढ़ रहा हूँ। जिस तरह हम गुरु के प्रेम के लिए अपना त्याग भी करते, शरीर का मुझे त्याग भी करना पड़ा। कल का तो मेरे लिए छोटा था, मेरे को मेरे अपमान हुए, मुझ पर ही कुछ लोगों ने लांछन लगाए, टीवी पर भी आया। मैं कभी मेरे आज तक टीवी का सहारा नहीं लिया मेरे प्रचार के लिए, या मेरे किसी के लिए मैं कभी कोई पॉम्पलेट छपा कर नहीं दिया था कि मेरे पास आओ मैं ज्योतिष से बोलता हूँ या मैं मंत्र तंत्र तंत्र का गुरु हूँ, ऐसा भी मैंने कहीं नहीं कहा। ये बात आपकी शिष्यों की कहलाई हुई है कि पॉम्पलेट आपको ये आमंत्रण देना चाहिए, इसलिए है उस आमंत्रण को देने के लिए मैं निमंत्रण पत्रिका देता हूँ। लेकिन मेरा यह कोई भी विचार नहीं कोई मेरी महत्ता को मैं आपके सामने उजागर करूँ या कहूँ। मेरा केवल यही बना रहता है कि मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी का चिंतन मैं आप सभी तक पहुँचा सकूँ और इसी कार्य के लिए करता हूँ। मैंने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया कि अनिल कुमार जोशी मंत्र तंत्र शास्त्रवेत्ता या गुरु जी, ऐसा भी बोर्ड नहीं लगाया, नहीं लगाने दूंगा। कहीं कार्य किया हो तो कहीं मेरा नाम नहीं लगाया, लगाना नहीं भी चाहता। केवल नाम हो तो मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव का, जिसका उदाहरण हो संसार कहला सके। त्याग की भावना जब तक मनुष्य में नहीं आती, जब तक निस्वार्थ भावना नहीं आती, जब तक गुरु के प्रति प्रेम नहीं होता, तब तक हम इस संसार में कुछ पा भी नहीं सकते। और गलती से गर्व भी आ गया, गलती से भी गर्व आ गया तो भगवान हमें उस गर्व का फल जरूर देते हैं, हमें अपमानित होना ही पड़ता है। और मैं प्रभु से यही चाहता हूँ कि कभी ऐसा गर्व मत दो जिसके कारण मैं आपके सामने नीचा दिख जाऊँ। आज मुझे बहुत अच्छा उस दिन लगा कि जिस दिन उस आदमी ने जोधपुर से ही फोन आकर ये बात कही कि जोशी जी हम फलाने आदमी को भेज रहे हैं, आप यंत्र दे दो उन्हें, हमारे पास कोई यंत्र नहीं। और उन्होंने कहा कि हम जोशी से पूछें, वो आए और उन्होंने कहा है कि चेतना केंद्र का हमारा ही एक ब्रांच है, आप वहाँ से यंत्र ले सकते हैं। और आज हैदराबाद के उनकी ओर से, वो स्वयं गुरु है और उनके भी कम से कम यहाँ 3,000 से 4,000 शिष्य हैं। वो कहते हैं कि उनके गुरु, अब आपका आपको नाम नहीं लेना, वो भी एक महान गुरु हो गए भारत में जिनका नाम हुआ था, ऐसे गुरु के ही शिष्य हैं वो और बाद में गुरु से जुड़े। उन्होंने कहा उन 3,000 शिष्यों के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने कहा वैसी कोई बात नहीं है, आप आपके शिष्यों को रखें, आपको कुछ भी चाहिए जो मुझे ज्ञान है मैं आपको दूंगा। आप चंद्रा स्वामी जी का नाम जानते हैं जो हैदराबाद के हैं और वो उन्हीं के शिष्य हैं जो गुरु से जुड़े हुए थे और वो यहाँ आने की बात कल कर रहे थे। ये बात अलग है कि साधु संत हो या अच्छे लोग हों, अगर मेरे पास गुरु जी का दिया हुआ कोई ज्ञान है मैं उस किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता, जो भी पूछेगा उसे ज्ञान जरूर देना मेरा कर्तव्य और मैं देते रहता हूँ जो मुझे ज्ञान है। और कोई मुझे ज्ञान दे मैं उसके लिए स्वीकार नहीं करता हूँ, कोई अगर कहें तो उसको भी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि ज्ञान की बात है, ये लेन देन है। मैं कोई बड़ा आदमी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे भी ज्ञान, ऐसा ही हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक जगह खड़े थे और अर्जुन को ये गर्व था कि मैं संसार कुरुक्षेत्र को जीता हूँ, मेरे सामने कोई ऐसा योद्धा नहीं है। भीष्म द्रोण अश्वत्थामा कर्ण सभी लोग हार गए, कृष्ण जब तक मेरे साथ हैं, कृष्ण के साथ मैं हूँ, तब तक ये कोई हरा नहीं सकता, ये अर्जुन का गर्व था। और ये बार बार जब कृष्ण से कहते थे कि प्रभु कृष्ण चलो आज हमारे संसार में कौन हमें हमारे सामने खड़े रहने के लिए तैयार है, ऐसा अर्जुन का। और कृष्ण को ये 2-3 बार बोलने पर कृष्ण बहुत ही मायावी और सद्गुरु थे ही, वे तो विश्वगुरु है, उनको पता भी चला तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को गर्व आ गया है, यह इतना घमंड से चूर है कि मैं संसार को हरा सकता हूँ। और संसार को मैं कितनी ही दिनों से उसका ये बात था तो कृष्ण ने एक छोटी सी लीला रची और कहा युधिष्ठिर भगवान, युधिष्ठिर जी को जो बड़े भाई है उनसे कहा कि एक अश्वमेध यज्ञ का निर्माण करेंगे और अपना अश्व सारे संसार में भेजेंगे, जिससे इस संसार में अपना अश्वमेध करना राजा का कर्तव्य होता है और अश्वमेध यज्ञ का बहुत महान पुण्य है, तो तुमने इतने सारे पाप किए और उन पापों का विमोचन केवल अश्वमेध यज्ञ से हो सकता है। तो धर्मराज ने कहा जब भगवान कृष्ण कहते हैं तो अश्वमेध यज्ञ करो, और उन्हें अश्वमेध यज्ञ का आरम्भ किया। और अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया तो उनके पांचों भाइयों को उस अश्वमेध के साथ क्या कहता है कि उनका घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो विजय प्रताप उनको हरा कर आता है और उनका सारा राज्य सारा पृथ्वी मंडल उनका हो जाता है। इस प्रकार युद्ध होने के बाद कृष्ण के कहने पर भगवान धर्मराज जी अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने घोड़े के साथ सभी भाइयों को भेज रहे थे। अश्व का घोड़ा, यज्ञ का घोड़ा, अगेतर उसके पीछे सैनिक,
बहुत लोगों को कोई राजा चला कि सारे कृष्ण और अर्जुन का घोड़ा है तो किसी का साहस नहीं हुआ उसे मानकर देख सके। लेकिन एक रत्नपुर के राजा थे जिनका नाम था मयूरध्वज, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने एक मुहूर्त देखकर अश्वमेध जी ने कहा, एक ने आरंभ कर दिया है युधिष्ठिर जी का, तो उनके गुरु ही थे सांदीपनि महामुनि जो कृष्ण के गुरु गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान कृष्ण ने इस युद्ध का अनाउंसमेंट कर दिया है तो हम भी इस युद्ध को कर इस यज्ञ को करें। और मयूरध्वज राजा ने कहा कि हम भी अश्वमेध यज्ञ करें, और उन्होंने भी अपना अश्वमेध का घोड़ा तैयार किया और यज्ञ आरंभ हो गया। इधर क्या हुआ कि उनका घोड़ा भी अश्वमेध का घोड़ा निकला, इधर अर्जुन का घोड़ा भी निकला, दोनों निकले। मयूरध्वज भी कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के शिष्य थे और कृष्ण भी सांदीपनि जी के शिष्य थे, दोनों भी थे, और घोड़ा तो दोनों का उद्देश्य निकला। जब ये पता चला कि कृष्ण सारथी अर्जुन के सारथी बनकर घोड़े के साथ है तो उनको लालसा लगी कि कृष्ण बहुत ही सम्मोहित है और देवता कह रहे थे जिन्हें विश्व रूप बताया है उनका एक बार दर्शन कर लें। तो ने कहा कि मैं मयूरध्वज ने कहा मैं यज्ञ में बैठा हूँ, उनका बेटा था ताम्रध्वज नाम का, मयूरध्वज का बेटा था ताम्रध्वज, उसके कहा बेटा जा और उस अश्वमेध के युधिष्ठिर के घोड़े को रोक और देख जब तक कृष्ण ना आए तब तक रोके रखना। ताम्रध्वज ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और गया। जाते ही वहां कृष्ण और अर्जुन खड़े थे तो उस ताम्रध्वज ने कहा ये अर्जुन किस पर गर्व करता है, कृष्ण को अगर कृष्ण नहीं होते तो युद्ध भी नहीं जी सकता था, तेरे से होता ही क्या है, अगर कृष्ण नहीं रहते तो कुरुक्षेत्र नहीं तो थोड़े से भी, तो किस पर गर्व करने की बात करता है, आज मेरे साथ युद्ध कर ले और बता दे कि तू मेरे साथ जीत सकता है, मैं तो तेरे सामने खड़ा युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और वो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने अपने पिता को स्मरण किया तो पिता ने कहा कृष्ण को नमस्कार कर और कृष्णास्त्र को छोड़ दे। आज तक कृष्णास्त्र किसी को पता नहीं था, केवल सांदीपनि महामुनि ने बताया था कृष्णास्त्र क्या होता है। और जैसे ही ताम्रध्वज ने कृष्णास्त्र छोड़ा तो उस सम्मोहन से भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों भी मूर्छित हो गए। दोनों मूर्छित हो गए तो उन्होंने अपना युधिष्ठिर का घोड़ा ले गया और अपने यज्ञशाला को ले गया और बैठ गया और कहा पिताजी मैं घोड़ा लेकर आ गया हूँ, पांडवों का घोड़ा है, इसे यज्ञ में पकड़ कर लाया हूँ। इसको देखने के बाद एक बार एकदम मयूरध्वज ने गुस्से से कहा ये क्या मूर्खता की बात की तूने, इसने कहा मैंने घोड़ा पकड़ के लाया है, उनको मूर्छित कर दिया है, वो वहीं पड़े हुए हैं कृष्ण और अर्जुन, मैं घोड़े को लेकर आया हूँ। अरे तू मूर्ख है, मूर्छित करके उनको वहां क्यों डाला, उनको भी तो लेके आया था तो कृष्ण का दर्शन तो हो जाता था, उनको क्यों छोड़ के आया, उनको वहीं छोड़ के आने में क्या मतलब, मैं तो कृष्ण के दर्शन के लिए तेरे पास युद्ध को भेजा था, इस घोड़े के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो मैं आ गया हूँ, वो तो मूर्छित है। बाद में थोड़ी देर के बाद अर्जुन और कृष्ण की मूर्छा टूटी, मूर्छा भंग हुई, मूर्छित से जागृत हो गए। अर्जुन ने देखा प्रभु ये क्या हो गया, वो ताम्रध्वज नाम का मामूली राजा अपने वो मूर्छित करके अपना घोड़ा ले गया है, चलो हम अपना घोड़ा ले जाए लेके लेने आ जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा तूने देखा है उसका एक अस्त्र छोड़ा गया और हम दोनों मूर्छित हो गए, अगर ऐसे ही जाएंगे तो और कोई उपद्रव खड़ा कर लेगा, ऐसे नहीं हम ब्राह्मण वेश धारण करके जाएंगे। कृष्ण ब्राह्मण वेशधारी हुए और अर्जुन उनके शिष्य के रूप में वो भी ब्राह्मण वेशधारी बनकर दोनों मिलकर गए। दोनों मिलकर उस यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञशाला में उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर मयूरध्वज उठ के खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया। तो कृष्ण ने कहा ये वो मस्तु तुम्हें जो चाहते हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो मयूरध्वज को आश्चर्य लगा, तुम्हें कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। फिर भी उन्होंने कहा नमस्कार करते हुए कि ब्राह्मण देवता आप आए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपको कुछ भी हो आपको जो भी मांगना है उसे मांगो। तो पहले कृष्ण ब्राह्मण वेशधारी थे, उन्होंने कहा वचन नहीं बदलोगे तो मैं मांगता हूँ। वचन मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं वचन नहीं बदलूंगा, आप जो मांगते हैं मैं वो देने के लिए तैयार। तो बात ऐसी है मयूरध्वज, मैं आते आते जंगल से हम दोनों मिलकर आ रहे थे तो एक सिंह मिला, जो सिंह गर्जन का यक्ष था और उसको पापियों की होनी थी, तो उसने कहा कि मेरा एक ही पुत्र है, उस पुत्र को मुझे दे दो और मैं बुझाऊंगा और मेरी भूख मिटा दूंगा तो मैं इस यक्ष या इस सिंह योनि से मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं यक्ष बन जाऊंगा, तो तुम्हें मुझे देना ही है, ऐसा उसने प्रार्थना की। तब मैं एक ही पुत्र होने के कारण उस सिंह से गिड़ आया और प्रार्थना की कि ऐसा हो नहीं सकता, एक पुत्र को मैं कैसे दे सकता हूँ। उसकी प्रार्थना के बाद उसने कहा तो तब तो मैं एक शर्त और लगा सकता हूँ, क्या कि आप
अगर मयूरध्वज राजा जिस इमिशार अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उस मयूरध्वज राजा को उनकी पत्नी और उनका पुत्र आगे से आधा चीर दें और उनका दाहिना भाग मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ देता हूँ। आगे से उनको काट देना चाहिए, कौन? पत्नी और पुत्र। काट देकर उनका दाहिना अगर भाग मुझे लाके दे देते हैं तो मैं जरूर तुम्हारे पुत्र को छोड़ देता हूँ। बस मैं वही इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। मयूरध्वज, और मेरे पुत्र को बचाना चाहते हो तो तुम ये कार्य करो। मयूरध्वज यज्ञशाला में जो भी अश्वमेध यज्ञ करता था पूर्व काल में, जिसे बलि चक्रवर्ती थे या कोई थे, यज्ञ में जब कभी भी ब्राह्मण जो भी मांगते थे उन्हें जरूर देते थे, इसलिए इतिहास प्रसिद्ध हुए। और जब ब्राह्मण ने मांगा था तो मयूरध्वज कहा कि ये कोई तेजस्वी ब्राह्मण दिख रहा है और इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं मेरा आधा शरीर में देने के लिए तैयार। पत्नी और पुत्र को बुलाया गया, पत्नी आई और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप जो कोई भी है आप आधा शरीर उनका क्यों, मेरा पूरा शरीर ले लीजिए मेरे पति के कारण। तो उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा शरीर मुझे नहीं चाहिए। उसने वही पूछा है, पति का शरीर काट कर देती हो तो ले जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारे शरीर से लेना देना नहीं। यही बात उसने कही, केवल मयूरध्वज का आधा शरीर, वो भी दाहिना भाग चाहिए। पत्नी की बात को छोड़कर वो अपने पति की ओर देख रही थी। पुत्र ने कहा कि मैं पुत्र हूँ, उनका ही अंश हूँ, मैं भी पूरी तरीके से उनको देने के लिए तैयार हूँ, या मैं, मेरी माता और मैं, हम दोनों भी जाएंगे लेकिन हमारे पिताजी को छोड़ दो। लेकिन मयूर ब्राह्मण वीरधारी कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे चाहिए तो केवल इनका दाहिना भाग दो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ, तुम वचन से छूटे हो गए। राज्य में प्रयोग कर रहे थे कि मयूरध्वज ये कहाँ की लीला है, ये कहाँ का भाग है। लेकिन मयूरध्वज ने एक ही बात किया तो ब्राह्मण वेशधारी खड़े थे, उनका आधा शरीर चीरते हुए जा रहा था। तो तब अर्जुन के आंखों से आंसू आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कृष्ण इतना भी इतना कष्ट, इतना शस्त्र, क्या ऐसी ऐसी चीजें क्यों देख रहे हैं। तो कि कृष्ण के दाहिना शरीर काट रहा था तो उनके बाईं आंखों से आंसू आ रहे थे। कृष्ण ने उस समय एकदम झट के साथ कहा, मुझे आधा शरीर कटने के बाद ये शरीर नहीं चाहिए। आधा शरीर कटने के बाद पत्नी ने कहा कि तुम कह रहे थे और कट भी गया, अब तुम नहीं चाहिए कहते, ये क्या मतलब है। कोई विजय मालूम है, एक आम का बांदा मिलने का विषय में उनकी जो टिप्पणी मेरे पास पहुंची या उनका जो विचार मेरे पास पहुंचा, ये विचार था कि आम का बांदा लाने के लिए हमें 1 करोड़ रुपए तो भी चाहिए, नहीं तो आम का बांदा किस तरह लाया जाता है। आम का बांदा मिला नहीं, रघुचरण भी उनके साथ पूरा निजामबाद घूम गया है और कहीं नहीं बैठे, यहाँ बैठे बैठे हम मानसरोवर गए तब राजशेखर हमारे साथ था, हमने एक आम का बांदा निकाला था वो घर में था, फिर भी मैंने एक परीक्षा के लिए हमारे शिष्य हमारे कवि को भी लेता हूँ परीक्षा में सब भेज दिया, ये घूमते हुए आए और आखिर में ये बात लेके आए कि 1 करोड़ रुपए की बात मिलता है आम का बांधा। अब बोलो आम के पत्ते लेके आए लेकिन बांधा नहीं लेके आए।
तो जब इस बांधे को मिलने के लिए इतना इतना कष्ट उठाना पड़ता है, तो इन बांधों का रस निकाल कर इसका तिलक निर्माण करते हुए जो इस तिलक को धारण करते हैं और इस मंत्र की नित्य एक माला मंत्र जब 40 दिन करते हैं, उसे वो शंभु विद्या के साथ गुरु स्वयं अपने शरीर में आधा स्थान उन्हें शिष्य को प्रदान करते हैं और शिष्य उतना श्रेष्ठ इतिहास प्रसिद्ध होता है और उसमें अष्टैश्वर्य और सारी शक्तियां उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आखिरकार गुरु कृपा से निखिल चेतना केंद्र का पहले से भी यही प्रयत्न रहा है और गुरु की कृपा से यही प्रयत्न रहा है कि शिष्यों को ऐसी विद्याएं या ऐसी साधनाएं प्रदान करें जिससे वे श्रेष्ठ कहलाएं। और मैं आपको कहता हूं कि मैंने वो तिलक तैयार किया है और वो तिलक तैयार करके आपके लिए और दत्तु भैया आने के बाद उस शाम्भवी दीक्षा को देते हुए मैं हर दम आपको प्रकृति के साथ सानिध्य करते हुए उस चीज तक ले जाना चाहता हूँ। केवल आप वो तिलक कर ले और एक माला मंत्र जब 40 दिन करें और आप स्वयं अनुभव करें कि आपके गुरु जी आपके सामने खड़े हैं और आप गुरु से जो भी प्रश्न करेंगे वो आपके साथ आपका सानिध्य प्राप्त करते हुए गुरु जी आपका सानिध्य प्राप्त आप गुरु जी का सानिध्य नहीं उस तिलक में उतनी श्रेष्ठता है जिस कार्य को पार्वती माता पार्वती ने करते हुए करने से ही उसे शाम्भवी कहा गया है। शंभु शिव को कहा जाता है, शाम्भवी पार्वती को कहा जाता है और इन्हें अर्धनारीश्वर में अपना आधा शरीर में भाग लिया था और यही साधना को भगवान विष्णु ने करते हुए पार्वती को माता लक्ष्मी माता को अपने हृदय में स्थापन किया था। ऐसी स्थापना ऐसी साधना है और उस तिलक को उस माला को उस मंत्र को मैंने तैयार किया है। फिर भी मैंने जैसा आपको बताया कि शिष्य और भी शाम तक आने वाले हैं क्योंकि उनको कल एक दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं इलेक्शन होने के कारण। सभी लोगों को मैं तब तक अभी राशि करता हूँ, उनका भी कहना है कि आधा टटिया बंधे हुए हैं और भी इसको डेकोरेशन करना है गुरु जी, तो उनके सभी के कथनानुसार अब सभी को फिर इस स्टेज पर मैं 4 बजे जब धूप कम होगी आऊँगा और उसको वो तिलक और उसके साथ साथ वो यंत्र जिसे गुरु यंत्र कहा गया है चांदी के ऊपर माता पार्वती ने माता पार्वती को जो शाम्भवी बनाकर शिव जी ने बिठाया था और कहा था कि हे पार्वती यह साधना जो करेगा वो तूने जैसा तेरे पति के गुरु रूप में तूने आधा शरीर पाया है वो भी गुरु गुरु रूप में आधा शरीर पाएगा। यह दीक्षा यह मंत्र मैं तुझे दे रहा हूँ और मैं आपको एक बात बता दूं तो रत्नपुर के मयूर ध्वज और कोई नहीं, मयूर ध्वज ताम्र ध्वज और मकर ध्वज इसका अर्थ होता है एक कुंडली के 3 चक्र है। रत्नपुर का अर्थ होता है मणिपुर क्षेत्र और कृष्ण का अर्थ होता है मूलाधार सहस्त्रार और राधा का अर्थ होता है अर्जुन का अर्थ होता है मणिपुर क्षेत्र में स्थित अर्जुन अर्जुन यह भी एक जड़ी है और इस कृष्ण जड़ी को और अर्जुन जड़ी को जो एक जगह मिलाता है उसे ही आम का बांधा और जटावासी कहा गया है और इसका तर्क लगाने के बाद ही वो विजय होता है। इसलिए गीता में आखिर में कृष्ण करते हैं कहते हैं यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र मातो धरोधरा तत्र श्री भूतिर्भवानी कृष्ण। यह साक्षात सिद्धि है जो इस तिलक को कृष्ण और पार्थ के तिलक को लगा लेकर आगे जाता है वो विजयी होकर ही लौटेगा इस मंत्र को बोलने के मात्र से। और इसका विधान इस विजय को इस विजय को विजय को विजय नाम के वृक्ष को भांग भी कहते हैं और जिस विजय की बात को कह रहे थे और जिस कृष्ण को भी हम कृष्ण तुलसी कहते हैं वो कृष्ण तुलसी है और अर्जुन कृष्ण है। इन तीनों को एक जगह करते हुए अगर आप उसका तिलक करके लगाते हैं तो इस संसार में हम भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसा इस तंत्र को इसे तंत्र कहा गया है। तंत्र का अर्थ होता है इस संसार की प्रकृति से कुछ हमारे ऊपर लेना और अपने तन को लगाना उसे तंत्र कहा गया है। और इस तंत्र को जो धारण करके इस तिलक को जो धारण करके 40 दिन इस मंत्र का रोज एक माला जप करता है वो भगवत दर्शन को प्राप्त करता है। उस एक माला का मंत्र शाम में 4 बजे दूंगा आपको क्योंकि शिष्यों का आने का फोन आ रहा है और दत्तु भैया भी नहीं है। सभी लोग आने के बाद मैं उस मंत्र को आपको 4 बजे दूंगा। तब तक हम शिवा बढ़िया से 1-2-4 भजन सुनेंगे और उसके बाद इस सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हुए फिर इसका डेकोरेशन हो जाएगा। तब तक 4 बजे मैं इस मंत्र का और दीक्षा का दूंगा। तिलक कम है और बहुत कम मिला है ये बात पहले से आपको बता दे रहा हूँ। आप आने के बाद ये तिलक आजकल नहीं मिलता, इसको बनाने के लिए मैंने कितनी तकलीफ की है ये मुझे मालूम और ये जो तकलीफ पड़े हैं उन लोगों को पूछ सकते हैं। आप जगत्याल से लेकर 100 किलोमीटर घूम के आए उनकी तकलीफ आप उनको जानने के बाद मुझे बता दो कि उसके प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और प्राप्त करना ही नहीं उसको निकालने के लिए अलग अलग मंत्र है। उस मंत्र को धारण करके तिलक बनाने का मंत्र अलग है फिर उसको सिद्ध करने के बाद तिलक लगाने का।
योजनाओं से बनाए, इसमें कुछ कार्य करने का नहीं है, केवल उस तिलक को लगा लेना है और एक माला मंत्र 40 दिन करना है, गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, ये गारंटी है, जो मुझे प्राप्त हुआ है तो आपको प्राप्त होगा। अब मैं शिवा भैया जी से एक भजन, वे हमारे पल्लवी जी को भी एक चांस दे, वो भी एक भजन सुनाए, उसके बाद हम भगवान की शिवा भैया बता रहे थे नटवर नागर का प्रेम के बारे में, मुझे छोटा सा किस्सा याद है। कुरुक्षेत्र का संग्राम शुरू होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण रायबारी दोनों को सुझाव देने के लिए, दोनों को बताने के लिए युद्ध नहीं करना चाहिए, पांच पांडव थे वो ग्राम मांग रहे, ग्राम नहीं दे सकते हो तो कम से कम पांच घर तो दे दो, युद्ध नहीं होगा, इतने लोग मरेंगे नहीं, ये सुझाव देने के लिए दुर्योधन के पास गए, जो दुर्योधन तो सुनने वाला नहीं था। वे हस्तिनापुर गए जहाँ दुर्योधन राजा था, पांडवों की तरफ से दूत बनकर गए और दुर्योधन को समझा रहे थे, दुर्योधन तो समझा नहीं, वो तो अपने ऊपर कहता कृष्ण तुम ग्वाल बाल हो, तुम राजा हो मथुरा के, हम भी राजा है, राजा का कर्तव्य होता है छीनना, छीन कर अपना राजभुत्व का स्थापन करना, अगर कौरव पांडवों में दम है तो युद्ध करके ले ले राज्य, मांगते भी मांगते क्यों फिरते हैं, आपको क्यों बोल रहे हैं। कृष्ण को उसकी बात बहुत बुरी लगी और द्रौपदी का वो प्रेम भी याद आया, तीन केशों को खुले छड़ा है कृष्ण, अगर युद्ध नहीं होगा तो एक केश ऐसे ही बंधे रहेंगे, कितने ही जन्मों तक कोई एक केश बांधेंगे नहीं जब तक मैं दुशासन का खून नहीं लूंगी। और भीम ने कहा था मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा प्रभु, अगर आपने पांच गांव दे दिया और युद्ध नहीं होगा तो। कृष्ण ने कहा दुर्योधन मूर्ख है, ऐसा काम कभी नहीं करेगा, वो युद्ध जरूर करेगा। कृष्ण गए, बहुत समझाया, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचार्य सारे बड़े बड़े लोग धृतराष्ट्र आदि सब बैठे हुए थे, सभी को समझाया एक बात, एक दिन पूरा गुजर गया लेकिन कुछ बात हुई नहीं, दुर्योधन समझा नहीं, दुर्योधन युद्ध पर अड़ा था। अब बात यह हुई कि कृष्ण दूत होने के कारण कौरवों के घर नहीं रुक सकते थे और वो सब कौरवों का राज्य था, तो जाए तो किन के घर जाए, तो आखिर में पता चला कि विदुर के घर जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को बड़ी भूख लगी थी, कृष्ण को इतनी भूख लगी थी कि सुबह से समझा रहे तो समझ नहीं रही थी और उनको भूख लगी, उनको तो जाना है। विदुर इसलिए दुर्योधन को खटकता था कि विदुर अपनी नीति सत्य मार्ग से बताता था, कि दुर्योधन को मुंह पर बोलने वाला कि तू गलत कर रहा है, तेरी ये गलती है, और विदुर दुर्योधन को खटकता नहीं था, लेकिन विदुर भी एक चाचा रहने के कारण उन्हें भी लालच से निकाल नहीं सकता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं देता था, विदुर वहां रहकर भी गरीब था, सत्य के भांति जीता था, उसको संतान नहीं थी और उसकी पत्नी का नाम था सुनीति। तो रहते रहते कृष्ण को यह मान पड़ा कि मैं तो हस्तिनापुर में बैठा हूँ, किसी के घर में जाऊं तो सभी दुर्योधन के लोग हैं, अभी एक है तो धर्मराज यानी पांडवों को भी मान्य है, दुर्योधन कौरवों को भी मान्य है, तो वो तो है विदुर, और विदुर के घर तो विदुर अकेला बैठा हुआ है, अब जाए तो खाना खाना है तो उसी के घर जाना हो, हस्तिनापुर से विदुर तो कहीं नहीं जा सकते। तो कृष्ण ने देखा इधर उधर और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे घर आ जाओ, तो दूत तो मेरा तुम्हारे घर नहीं आता, नहीं आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा एक ऐसा ही आदमी है जिसको न कौरव लोग पक्षपाती कहेंगे या पांडव, वो है विदुर, आप विदुर के घर जा सकते हैं, और विदुर वहां नहीं थे, लेकिन सैनिकों के हाथ से पता चला कृष्ण को भूख लगी है और विदुर के घर जाएंगे, विदुर कहीं बाहर गए हुए थे और कृष्ण बहुत भूख के कारण जब इन्होंने निर्णय किया भीष्म पितामह ने विदुर के घर जाना है, वे विदुर के घर गए। विदुर भी इतनी गरीबी थी कि वो बहुत गरीब तो दुर्योधन की सहायता नहीं करता था। कहते हैं कि जब कृष्ण गए और ये पता चला कि कृष्ण सैनिक से भी पहले दिन को भूख बहुत लगने के कारण वे विदुर के घर पहले ही दूत के पहले ही पहुंचे और दरवाजा खटखटा, दरवाजा बंद था, खटखटाता खटखटाए और बोले कि पुकार रहे थे अंदर से आवाज आई कौन है, तो वो विदुर की पत्नी थी सुनीति, तो उसने कहा मैं ग्वाल बाल कृष्ण हूँ मथुरा का राजा, मैं मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खा नहीं पाया हूँ, क्या स्थिति होगी उस सुनीति की, बोलिए कृष्ण जैसा जिसे सब पूछते हैं वो द्वार पे आकर कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, उसकी आंखों से आंसू आए कि विदुर घर में नहीं है और कृष्ण खाना खाने के लिए आए, घर में कुछ नहीं है, अब क्या करें। और उसकी स्थिति ये थी कि वो फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, वो एक जगह फटी थी दूसरी तरफ फटी, ऐसी साड़ी पहनते हुए उसने कृष्ण के आए इस भान को इस प्रेम से भूल गई कि मैं किस स्थिति में हूँ,
उसी स्थिति में भागते हुए और दरवाजा खोल ली। कृष्ण ने जब उसकी स्थिति देखी तो उन्हें बहुत दया आई, उन्होंने अपने शरीर पर का दूसरा पीतांबर खोलकर उसके ऊपर डाल दिया और कहा कि हे स्मृति, बहुत भूख लगी है। उसके आंखों में आंसू डबल गए, घर में ढूंढ रही थी कि क्या मिले क्या दिए कुछ, तो उसको क्या थोड़े केले पड़े हुए थे घर में, केले पड़े हुए थे। कृष्ण को देखते ही बैठ गई और केले ले ली। कृष्ण को भूख लगी थी, वो जो दे रही थी कृष्ण को, उसने क्या किया, छिलका कृष्ण को दे दिया और गुदा फेंक रही थी, उसमें का जो ओरिजिनल केला रहता है वो फेंक दिया और कृष्ण को छिलका दे रही थी। कृष्ण भी छिलका खा रहे थे, वाह मजे के साथ भूख लगी है, कृष्ण छिलका खा रहे थे, गुदा फेंक दे रहे थे उधर से। ये दोनों का एक को देख लेते हो भूख के कारण एक तरफ रहे थे, छिलका फेंक रहे बाहर, छिलका फेंक रहे बाहर चल रहे। उतने में विदुर आए कि उनको पता चला कि कृष्ण आए हुए घर में, उन्होंने देखा कि छिलके खिला रही है पत्नी और कृष्ण खा रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। विदुर बोला इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये दोनों खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने गलती से विदुर स्मृति को न रोकते हुए निकाल के वो ओरिजिनल केला निकाल के दे दिया और छिलके को रोक दिया, तो ठहरा रोक दिया केला। कृष्ण ने जो ओरिजिनल केला खाया, अरे बोलिए टेस्ट नहीं है अभी तक जो दे रहे तो छिलका ही अच्छा था। तो ये नटवर नायक का प्रेम है, जो प्रेम के साथ छिलका भी खिला रहे थे और भीख के खा भूख के कारण खा रहे थे और ओरिजिनल केला अच्छा नहीं रहा, विदुर ने सर फोड़ लिया। बोले ये क्या चीज है, तो नटवर नायक ने कहा वो प्रेम से खिला रही थी और मैं कह रहा था तू बीच में कहां से आया। तो नटवर नायक का प्रेम ही ऐसा होता है जिसे उससे लगा ले तो वह श्रेष्ठता के साथ अपने आप को भाव देते हैं और उस स्मृति को कहते हैं कि आज तुमने कृष्ण की भूख मिटाने का कार्य किया स्मृति, तुझे और विदुर को मैं ये वरदान देता हूँ कि तुम संसार में जितने कौरव पांडव का युद्ध है महाभारत जब तक रहेगा तब तक तुम भी पूजनीय रहेंगे। और आज भी विदुर नीति बहुत श्रेष्ठ कहलाई जाती है, जब महाभारत का पूर्ण महाभारत का पाठ की कथा है या महाभारत की कथा जहाँ भी होती है वहाँ विदुर के नाम की छुपारी कभी भी निकाल के लिखी जाती है, क्योंकि वो नीति है। अगर विदुर नीति में वो छुपारी नहीं निकल के जाए तो महाभारत की कथा सुनते सुनते झगड़ा होता है ऐसा कहते हैं। तो इस विदुर को प्रेम से भर देने वाले श्री कृष्ण नटवर नागर का प्रेम इस तरह होता है, कभी आप भी अपने गुरु से इसी तरह का प्रेम करो, यही शिवभैया कह रहे थे। आप सभी को भोजन करने का समय दे रहा हूं, सभी लोग चार पांच बजे तक आ जाएंगे। और इससे पहले एक बात, जो भी मैं आज के जो विशिष्ट साधना के बारे में आपको बतला रहा था जिसे तिलक करना है और जिसे तिलक धारण करना है और शांभवी विद्या को लेना है, उनको एक विशिष्ट मंत्र दे रहा हूँ, उसे आप चार बजे तक एक माला पूर्ण कर ले। मंत्र मैं बोलता हूँ आप लिखें। मंत्र को स्वयं शिवजी ने पार्वती माता को दिया था और कहा था कि तू अर्धनारीश्वर मेरे योग में, तू जब तक मुझे प्रत्यक्ष करना चाहती है मैं तुझे स्थान देता हूँ मेरे शरीर में। और ये मंत्र करते हुए जो तिलक लगाता है या उसको ग्रहण करता है उसका मंत्र है, आप अच्छी तरह लिख ले एक माला मंत्र करें ताकि आप तिलक लगाने से तिलक करने से पूर्व श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, मैं बोल रहा हूँ। ओम गौर सुंदरी माम स्थापय, महायोगी पालय पालय, शंकर प्रेम गलिते, शंकर प्रेम गलिते स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। इस मंत्र की एक माला करने से ही तिलक सामने रखकर रोज इस मंत्र को एक आज एक बार एक माला कर लेते हैं, बाद में एक बार मंत्र बोलते कर तिलक करना चाहिए, जिससे हम करने पर कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया होते हुए देवता की प्रत्यक्ष सिद्धि होते हुए हमारे शरीर में देवता की स्थापना होती है। यह तिलक कुंडली जागरण के लिए हो या किसी देवता के सामने जा रहे हो, किसी महाराजा या अपने ऑफिसर या कोई भी, इस तिलक को लगाने के बाद उस आगे का मनुष्य उसमें देवता तत्व है आत्म तत्व है तो सम्मोहित होता ही है। यह भगवान राधा ने कृष्ण को, शिव जी ने पार्वती माता को और भगवान विष्णु ने
लक्ष्मी माता को यह मंत्र देते हुए कहा था, किससे जो तिलक धारण करेगा, इस तिलक का जो तीन बांधाओं का मैंने अभी जिक्र किया था, आम का बांधा, जटामासी का बांधा और तपसी का एक वृक्ष, उसका यह मंत्र है। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूँ, ह्रीम क्लीम ऐं ओम गौर सुंदरी माम स्थापय महायोगी पालय पालय शंकर प्रेम गलिते स्वाहा। और एक बार बोल रहा हूँ, ह्रीम क्लीम ऐं ओम गौर सुंदरी माम स्थापय महायोगी पालय पालय शंकर प्रेम गलिते स्वाहा। आप सब लोग भोजन कर लें, उसके बाद मैं दीक्षा प्रदान करूंगा तिलक की और सभी लोग यहाँ 4:30 बजे पंडाल में आ जाएं, तब तक रिश्ते हैं और लोगों का शिष्यों का आने का हम इंतजार करेंगे, बाद में साधना प्रदान करूंगा।